उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके के अंबेडकर पार्क से ताल्लुक रखने वाले बैनुल अक्वामी शायर काशिश वारसी ने यूपी उर्दू अकेडमी के अराकीन को हटाने का मुतालबा किया। मालूमात के मुताबिक ये इल्जाम काशिश के रिहायशी उर्दू अकेडमी ने इंतखाबात के दौरान लगाया था। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के मेम्बरान को काशिश वारसी ने उठा लिया है और इल्जाम लगाया कि काशिश के लोगों ने वजीर आजम और वजीर आला के मुखालिफिन के साथ मिलकर काम किया है। बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी का जश्न हो रहा है, उनके जश्न पूरे उत्तर प्रदेश में होने चाहिए, हम मुरादाबाद में भी उनका जश्न करेंगे। लेकिन इसी के साथ मुझे अफसोस ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के जो चेयरमैन हैं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनके निलंबन की मांग करता हूँ। क्योंकि आज जब मैंने वहाँ का पोस्टर देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। समाजवादी पार्टी ने कुछ मुशायरे कराए थे इलेक्शन कैंपेन में, उसके अंदर उसमें कुछ शायर थे, संचालक थे, जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ शेर बढ़ते फिर रहे थे, तकरीरें करते फिर रहे थे। साहित्य इतना सस्ता हो गया, इतना सस्ता हो गया कि आज वही उस जश्न का संचालन कर रहा है और उसके अंदर एक दो शायर उसी टीम के हैं जो योगी जी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ शेर पढ़ रहे थे। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं ये बताना चाहूँगा कि उनका चेयरमैन को ये नहीं मालूम था क्या कि ये वो लोग हैं? और क्या आज साहित्य इतना सस्ता हो गया, कल हम बुरा कह रहे थे योगी जी को, मोदी जी को, आज हम उनकी तारीफ करने पा जाएंगे? चार दिन पहले वो अच्छे थे, चार दिन पहले वो बुरे थे, चार दिन बाद वो अच्छे हो गए। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी उर्दू अकेडमी सस्पेंड होनी चाहिए और जो जो लोग वो प्रोग्राम करा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। करेगा कौन जश्न? वो प्रोग्राम सरकारी है, वो प्रोग्राम सरकारी है, उर्दू अकेडमी का प्रोग्राम है। उर्दू अकेडमी को ये मालूम होना चाहिए कि किन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। तो कितने लोग हैं इसमें शामिल? ये जांच का पहलू है, ये जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कार्रवाई उर्दू अकेडमी के खिलाफ होनी चाहिए या जो आयोजित कर रहे हैं, जो आयोजक है, आयोजक उर्दू अकेडमी है? जब उर्दू एकेडमी आयोजक है तो उर्दू एकेडमी को इतनी जानकारी भी नहीं थी कि कल कौन लोग जो है वो मोदी जी के खिलाफ, वो योगी जी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। तो मुशायरा नहीं होना चाहिए? मुशायरा हो, लेकिन ऐसे लोगों का सोशल बायकॉट होना चाहिए। शायर भी बायकॉट करें, जनता भी बायकॉट करें और एकेडमी भी बायकॉट करें जो सिर्फ राजनीति की शायरी करते हैं और जो है सांप्रदायिक सद्भाव को ख़राब करते हैं। मुशायरा जो आयोजित कराते हैं उन्हें किसी इन बातों से लेना देना नहीं होता, किसी हुकूमत है, किसी हुकूमत नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने, शायर को सिर्फ शायरी करनी चाहिए, गज़ल पढ़नी चाहिए। आज का शायर इस चक्कर में पड़ गया कि योगी जी अच्छे हैं कि मोदी जी अच्छे हैं कि अखिलेश अच्छे हैं, और आज शायरी का स्तर इतना ख़राब हो गया कि कल जो लोग मोदी जी और योगी जी को के खिलाफ शेर पढ़ रहे थे आज के अंदर जा रहे हैं। क्या हो गया उनके किरदार को, क्या हो गया उनके मैार को? आज उनका मैार और किरदार इतना ख़राब हो गया। ऐसे कुछ शायरों के नाम बताएंगे आप? मैं नाम ले देता हूँ, उसके अंदर नाम है नदीम फरूख साहब का, जो संचालक थे, जो बाकायदा तकरीरें कर रहे थे, और उसमें एक नाम है हाशिम फिरोजाबादी का, जो उसके अंदर तकरीरें कर रहे थे। दोनों के नाम उसके अंदर पोस्टर के अंदर हैं और ये दोनों बहुत विस्फोटक शायर रहेंगे। बिल्कुल कल तक बीजेपी की मुखालफत करने वाले आज उसी स्टेज के ऊपर बैठे हैं। ये किरदार उनका ख़राब है या जो आयोजक हैं उनको ये जानकारी नहीं थी? उर्दू अकेडमी पर है ये सवाल निशान।